वो एक माध्यम हो सकते हैं, जरिया हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली उन्होंने नहीं नहीं कि हाँ मैंने सोनू सूद को बुलाया तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। हमको घनीश भैया ने बोला कि तुम आ जाना, मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी, मुझे वो सिर्फ दिखाना था, मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग। तो ये बिहार है, मैं एक बिहारी हूँ और ये जो वर्ड है ना, मैं बिहारी हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी अ बिहारी, तो ये जो वर्ड है ना, कभी कभी तो लगता है कि यार सही है, बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, कभी कभी लगता है कि प्राउड फील करते हैं लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा हो जाता है उसके बाद लगता है यार क्या है ये, क्या चूतिया पाए, सुधरेंगे कभी हम या नहीं सुधरेंगे, या यही स्टैंडर्ड यही लेवल मेंटेन करके रखेंगे हम लोग अपने बिहार का, बिहार का ऐसे ही घटिया नाम होता रहेगा, जब भी कुछ अच्छा करने जाओ कुछ ना कुछ चूतियापा हो ही जाता है। आपको आपने देखा होगा न्यूज में कि 21 सितंबर को बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पटना आए थे और पटना आने में सबसे बड़ा हाथ उनको लाने में मनीष कश्यप जो है पत्रकार, उनका हाथ था। वो मुंबई गए थे, उनको इनवाइट किया और 21 को सोनू सूद पटना आए, मनीष कश्यप खुद गए थे उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे। वहीं से एक कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, मतलब याद क्या दिलाता हूँ, मैं याद कर रहा हूँ। गाँव में स्कूल में हम लोग एक बार सरस्वती पूजा कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने एक भजन मंडली को बुलाया, फीमेल सिंगर थी और भजन का था कि हाँ भजन होगा। उसके बाद कुछ देर तक तो चला, पूरी पब्लिक जुट गई, कुछ देर तो भक्ति गाना हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पब्लिक चिल्लाने लगी कि नहीं बहुत हो गया बहुत हो गया, अब मतलब फिल्मी गाने फिल्मी गाने फिल्मी गाने, मतलब ऐसा माहौल हो गया, एकदम अफरा तफरी का मारपीट जैसा माहौल हो गया, कुछ लोग ऐसा माहौल बनाने लगे, तो लास्ट में हम लोगों को बंद करवाना पड़ा वो चीज। मतलब सोचो ऐसा माहौल हो जाता है, ये बिहार है, यहाँ हर कोई अलग लेवल का है, हर किसी को लगता है कि वही है जो है, बाकी सब सबका अपना अपना एक अलग ही स्वैग है, सबको लगता है सबका वो लेवल है, भाई साहब वो समझ जाओ एक अलग लेवल का भौकाल रहता है। तो ये कहानी है। आपने बहुत सारे एक्टर्स का इंटरव्यू देखा होगा कि बिहार में वो आए उनका कैसा एक्सपीरियंस था, और किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, कभी भी अच्छा नहीं रहा है। यही रीजन है कि बिहार में कोई भी फिल्म को प्रमोट करने कोई भी एक्टर नहीं आता है, बहुत ए लिस्टेड तो कोई नहीं आते, बहुत ही कम गिने चुने लोग ही आते हैं, वरना बिहार में अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए कोई भी एक्टर नहीं आना चाहता है। रीजन यही है, यहाँ के लोग इतना प्यार देने लगते हैं ना उसको कि वो प्यार उसको पचता नहीं है, हाँ इतना प्यार देने लगते हैं। तो बात आते हैं सोनू सूद पे, तो वो जैसे ही पटना एयरपोर्ट पे आए वहीं से उनके साथ धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई, फैंस सेल्फी लेने के लिए वीडियो बनाने के लिए फोटोज लेने के लिए वहीं से धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई। अब जहाँ पे इवेंट था वहां पे भी बहुत पब्लिक थी, ओवर क्राउडेड, मतलब जितना उम्मीद उससे कहीं ज्यादा पब्लिक वहां पे आ गई थी। इस इवेंट में बहुत सारे बिहार के ऐसे कलाकार हैं जिनको इनवाइट किया गया था, जो ऑर्गेनाइजर कमिटी थी उन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया था, और मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप ने नहीं इनवाइट किया था। ओके, वो नहीं, वो एक माध्यम हो सकते हैं, जरिया हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली उन्होंने नहीं कि हाँ मैंने सोनू सूद को बुलाया तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। एक पूरा प्रॉपर सारा सिस्टम होता है और उस सिस्टम से ही आपको चलना पड़ता है, लेकिन चुतियापा कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बिहार के बहुत कलाकार को वहाँ पे बुलाया गया था कि आप स्टेज पे आओगे मिलोगे और बातचीत होगी अपना टैलेंट दिखाओगे, तो ये सारा कुछ था, लेकिन हुआ क्या, यही मैंने बोला ना आपको कि यहाँ हर कोई अपने आप में एक महापुरुष है, पुरुष नहीं महापुरुष है, सबको लगता है वही है जो है, बाकी सब तो ओके। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जितने भी लोगों को बुलाया गया उनको स्टेज पे जाने का मौका ही नहीं मिला, ना सोनू सूद से मिलने का मौका मिला, ना अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला, कुछ नहीं। यहाँ तक मनीष कश्यप जो है उनको भी अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला, और वो भी निकल गए, शायद निकल ही गए थे इवेंट से। तो ऐसा कुछ हुआ इवेंट में, और इसी पे तभी से बवाल शुरू हो गया जब आदर्श आनंद जो कि भागलपुर के रहने वाले हैं और YouTube Facebook पे अपने वीडियोस बना के पोस्ट करते हैं,
तो काफी फेमस है वो बिहार में। ओके तो वो भाई साहब उसके बाद तो वो आगे रोने लगे। अपन का इंटरव्यू देखो, रो रहे हैं और मनीष कश्यप को गलिया रहे हैं, लिटरली गाली दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, जो वहां पे लोग हैं उसको भड़का रहे हैं वो। तो देखो मैं बता दूं, आप आदर्श भाई आप जुड़े हो इस इंडस्ट्री से, मैं भी इस इंडस्ट्री से हूं, तो मुझे पता है कि यहाँ कोई एक आदमी कुछ नहीं करता है, यहाँ पे पूरी एक टीम होती है, वो टीम होती है। और इसमें अगर आप मनीष कश्यप को टारगेट कर रहे हो ना, तो ये बहुत ही गलत चीज है। आप इस चीज इस लाइन में रह के भी अगर ये चीज नहीं समझ पा रहे हो ना, तो आपको बहुत आगे चल के और प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे नेम और फेम कमाओगे ना, आपके साथ ऐसे ऐसी चीजें होंगी जो आप हैंडल नहीं कर सकते हो, सिचुएशन ऐसा हो जाएगा ना आप झेल नहीं पाओगे। क्यों बॉलीवुड वाले इतने हार्ट अटैक से मरते हैं? इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो आप सीधा सीधा मनीष कश्यप पे ब्लेम लगा रहे हो कि उन्होंने फोन नहीं उठाया। भाई साहब वहां का सिचुएशन ऐसा होगा ना कि वो खुद परेशान थे, वो खुद परेशान थे होंगे, ये आप समझ नहीं सकते हो। जब आप उस जगह पे जाओगे ना, जब आपको वो चीज मेंटेन करना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था उस टाइम और क्या हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आदर्श आनंद जो है अपनी जगह पे गलत है। किसी को भी अगर आप इतने बड़े एक्टर आ रहे हैं, आप इनवाइट करते हो, तो हर किसी के दिल में एक होता है कि जाना है, मिलना है, बात करना है। तो वही था उनके भी दिल में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ और सारे अरमान जो है वो आंसुओं में बह गए। आदर्श आनंद जहाँ थे वहीं पे रह गए। तो अब आते हैं कि ये सारा कुछ हुआ क्यों। देखो मैंने पहले ही बोला कि हम बिहारी बहुत ही कमाल धमाल के लोग होते हैं, धोती फाड़ के रुमाल कर देते हैं। हम अपना प्यार इतना दिखाते हैं ना कि सारा सिस्टम ही हिल जाता है। जी हाँ, कोई सिस्टम रह नहीं जाता। हम लोग के पास इतनी पैरवी होती है ना, इतनी पहुंच होती है ना, कि तुम लाइन में लगे रहो, हम बगल से निकल के, यही हाल होता है। कितना बोलूं, कितना बोलूंगा, बहुत बोलने को है, लेकिन कोई फायदा नहीं है बोल के। और अगर ऐसा होता रहा ना, तो आगे कोई भी ऐसा इंसान नहीं आएगा जो फेमस हो, जिसके पास नाम फेम सारा कुछ हो, वो कभी बिहार नहीं आएगा। आप बुलाते रह जाओगे, नहीं आएगा, और आप लोग यहाँ पे वही घंटा हिलाते रह जाओगे। और कुछ लोग बात करते हैं बिहार में फिल्म इंडस्ट्री की, सीरियसली कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे तुम लोग, कभी नहीं। जो कल्चर होता है ना, उसका बहुत एडवांस होता है। यहाँ तो एक लड़की अगर रोड से जा रही है ना, तो 75 लोग उसे देखने वाले होते हैं। और अगर जरा सा उसका ड्रेस अगर क्या थोड़ा सा भी रिवीलिंग हुआ ना, तो ऐसे लार टपकाने लगते हैं ना कि पूछो ही मत। और जब आप मुंबई जाके देखो, वहाँ का कल्चर देखो, या जहाँ भी है आप बॉलीवुड बॉलीवुड साउथ साउथ करते हो ना, साउथ में भी आप जाके देखो कैसा कल्चर है वहाँ का। आप उस चीज को बिहार, स्पेशली बिहार यूपी के लोग कभी भी नहीं उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, कभी नहीं मान पाएंगे। ऐसा यहाँ का माहौल है, यहाँ माइंडसेट है ऐसा कि ये चीज 2-4 हज़ार साल लगेगी, उसके बाद ही दिमाग में सेट हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे किसी को सही नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं कर रहा। ये जो हमारा सिस्टम है ना, वही कहीं ना कहीं इस पूरी चीज के लिए जिम्मेदार है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, नहीं लगा तो चुपचाप देख के निकल लेने का। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।